कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए झारखंड सरकार हाई अलर्ट मोड पर है। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरह कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर ब्रेक लगाया जा सके। ऐसे में सरकार ने कई गतिविधियों पर पाबंदी भी लगा दी है। राज्य के सभी स्कूल में छात्रों के आने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। हालांकि परीक्षाओं पर रोक नहीं लगाई गई है। वहीं धरना प्रदर्शन और कई सार्वजनिक आयोजन पर रोक लगी है। इसके अलावा शादी समारोह में 200 लोग ही शामिल हो सकेंगे। इस दौरान सामाजिक दूरी का पालन और मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। तो बिहार में एलजेपी के एकमात्र विधायक राजकुमार सिंह ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। राजकुमार सिंह ने जेडीयू की सदस्यता ले ली है। इस दौरान उन्होंने कहा कि एलजेपी की नीतियां पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं थी कि वो एनडीए में है या नहीं। उन्होंने कहा कि वे एनडीए का हिस्सा रहे और उनकी विचारधारा एनडीए से मिलती है, इसलिए उन्होंने यह फैसला किया। एलजेपी विधायक राजकुमार सिंह ने जेडीयू में शामिल होने पर एलजेपी प्रवक्ता अशरफ अंसारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने राजकुमार सिंह को बागी विधायक बताते हुए कहा कि उनका आचरण शुरू से ही पार्टी विरोधी था। ये लोग सत्ता लोलुप लोग हैं और ये लोग कभी स्थिर रहने वालों में से नहीं है। राजकुमार सिंह पहले से ही इनका आचरण कुछ जो है संदिग्ध था, जिसकी वजह से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेशानुसार पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ने कारण बताओ नोटिस दिया था इनको। और ये सख्त कदम था पार्टी का कि अगर पार्टी में रहना है तो पार्टी के डिसिप्लिन के मुताबिक रहना है। इनके जाने की वजह से पार्टी को कोई झटका नहीं है। पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में